बॉलीवुड में हीमैन के नाम से जिनकी पहचान है, जिन्हें मोस्ट हैंडसम बॉय कहा जाता था उनके जमाने में, बात की जाए उस धर्मेंद्र की जिन्होंने 70 के दशक में एक से बढ़कर एक बड़ी हिट फिल्में दी, उस धर्मेंद्र की आज क्या दशा है शायद ही आप अनजान हो इस बात से, लेकिन धर्मेंद्र अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को इससे हमेशा रूबरू कराते आए हैं कि आज 83 साल की उम्र में धर्मेंद्र अपनी जिंदगी, अपने परिवार नहीं, अपने बच्चों नहीं, अपनी पत्नी नहीं, बल्कि अपने उन पशु पक्षियों के बीच गुजारते हैं जिनका पालन पोषण वो खुद करते हैं, फिर चाहे वो गाय हो, फिर चाहे वो पंछी हो या फिर बतख से लेकर तोते, धर्मेंद्र की जिंदगी के खास हिस्से बन गए हैं, उनके परिवार की तरह उनके साथ हर वक्त रहते हैं उनके चहेते पशु पक्षी, जिनके साथ धर्मेंद्र की जिंदगी का ये बुढ़ापे का समय गुजर रहा है। आपको बता दें, धर्मेंद्र इन सब के बावजूद ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी के इन पन्नों को कुछ ऐसे साझा करते हैं कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। आज ग्लैमर इंडस्ट्री में तमाम बड़े ऐसे सितारे हैं जो इस उम्र में रिलैक्स्ड मूड में रहते हैं, वहीं वेकेशन ट्रिप्स के लिए विदेशों के टूर में निकलते हैं, लेकिन धर्मेंद्र इन सब से हटकर अपनी जिंदगी गांव में गुजारते हैं, फार्म हाउस में गुजारते हैं। किसान का बेटा धर्मेंद्र खुद को मानते हैं, आज भी वो खुद को किसान कहते हैं। किसान के घर से ताल्लुकात धर्मेंद्र का पुराना है और इसलिए वो खुद को बारंबार किसान कहते आए हैं। इसका उदाहरण तब भी देखने को मिला था जब धर्मेंद्र अपनी पत्नी हेमा मालिनी और अपने बेटे सनी के लिए मथुरा से लेकर गुरदासपुर में जनता के बीच प्रचार प्रसार करते नजर आए थे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में, और उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताया था। किसान के लिए हेमा और सनी का बीजेपी से जुड़ना और जनता का उन पर भरोसा करना फायदेमंद होगा, ये धर्मेंद्र का कहना था प्रचार प्रसार में। लेकिन इस उम्र में कैसी है उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। धर्मेंद्र काफी बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें सहारे की जरूरत होती है। धर्मेंद्र देर रात जब उन्हें नींद नहीं आती तो कुछ इस तरह से पशु पक्षी को अपना चहेता बताकर घूमते हैं। जी हाँ, 6-6 बच्चे और 2-2 पत्नियों के होते हुए भी धर्मेंद्र फार्म हाउस में ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। ट्विटर पर उन्होंने अपने दर्द को बयां करते हुए लिखा था, मिलते ही आगाज तड़पती मेरी हसरतों को सकू में मेरे, अजब एक हलचल थी होने लगी, किया यादों ने जिक्र अचानक जो आज लम्हों को मेरे बीते, लम्हों की मेरे याद सताने लगी। जी हाँ, धर्मेंद्र को याद सताती है पुराने दिनों की, जब वो फिल्मी सफर के वक्त सुहाने सफर का आनंद लिया करते थे। आज आपके धर्मेंद्र, जो कि आपका धर्म के नाम से ट्विटर पर आपके बीच मौजूद हैं, उन्होंने ऐसे भी पोस्ट कुछ दिनों पहले शेयर किए। उन्होंने लिखा, आई कांट ट्रस्ट यू माई स्वीट ट्वीट, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वन फाइन मॉर्निंग आई विल ट्रस्ट। सुबह उन्होंने ट्वीटी के साथ शुरुआत की और ऐसे ही उनकी सुबह की शुरुआत अक्सर होती है। 9 जून की तारीख को उन्होंने एक पोस्ट लिखा था, शुक्रिया अदा करते हुए उन सभी का जिन्होंने उनके सभी पोस्ट को पसंद भी किया। धर्मेंद्र ने अपने हैक्टिक शेड्यूल के बारे में भी जानकारी दी थी, जब वो अपनी माँ कहते हुए नजर आए थे कुदरत को, कुदरत के प्राकृतिक कुदरत की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसके सुकून का मजा लेते आए थे। धर्मेंद्र ने कुछ घंटे पहले भी एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, पहली बार खाया था बॉजीज, लजीज लगा, बहुत ही ज्यादा लजीज, लज्जत इसकी कभी भी आज भी लेता किसान बेटा। धर्मेंद्र ने किसान बेटा खुद को बताया है। ये बात अलग है कि धर्मेंद्र के आंसू निकल आते हैं जब भी वो भावुक होते हैं। ट्रिब्यूट जब धर्मेंद्र को एक रियलिटी शो में दिया गया था तो धर्मेंद्र खूब रोए थे जब उनके पुराने गानों को पेश किया गया था। धर्मेंद्र अपनी माँ के दिल के बेहद करीब रहे हैं और शायराना अंदाज में अपनी माँ को लेकर उन्होंने तमाम ऐसे पोस्ट शेयर किए हैं, अपने परिवार को लेकर, अपने पिता को लेकर, जिससे ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि धर्मेंद्र बॉलीवुड में आने के लिए संघर्ष करते हुए एक किसान होने के नाते बॉलीवुड की ग्लैमर से और यहाँ की चकाचौंध दुनिया से अनजान होते हुए भी यहाँ एक सपना लेकर आए थे जिसे पूरा करने के लिए उन्हें सद्दोसहन मेहनत करनी पड़ी। मेहनत के बलबूते ही वो आगे बढ़े, जो अपने
बुढ़ापे के दर्द को, रोते हुए सहते हैं और बुढ़ापे में अपनी पत्नी बेटों से अलग रहते हैं। ये बात अलग है कि हेमा सनी अब तक उनसे मिलने फार्म हाउस में नहीं आए हैं और वक्त गुजर चुका है काफी लंबा। इंतजार है देखने का ये माँ बेटे कब धर्मेंद्र का दर्द बांटने पहुंचते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।